देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसी तरीके से अलग अलग पार्टियों की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा तैयारी अगर आम आदमी पार्टी में है, क्योंकि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी जीती नजर आ रही है। बीजेपी में सेकंड पोजीशन में दिख रहा है, तो वहां पे थोड़ी सी कम तैयारी है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति एक बार मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर गेट अभी बंद है, मेन गेट बंद है, और अंदर की भी तस्वीरें थोड़ा सा मैं दर्शकों को दिखाएं न्यूज 18 इंडिया पर, जो पूरे दिन सबसे सटीक नतीजे देखने को मिलेंगे इस एमसीडी चुनाव को लेकर। अंदर की भी तस्वीरें, कोई भी कर्मचारी और कोई भी नेता भी नजर नहीं आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। 2017 में भले ही कांग्रेस की 30 सीटें आई थी, 48 सीटें आम आदमी पार्टी सेकंड पोजीशन पे थी और फर्स्ट पोजीशन पे बीजेपी थी, यानी कि तीन बार से सत्ता बीजेपी की है एमसीडी में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार क्या नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, और आम आदमी पार्टी लगातार जो कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से बीजेपी का नारा रहता है, तो क्या वो सटीक आम आदमी पार्टी पर बैठेगा। थोड़ी देर के बाद नतीजे जब आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि अगले 2 घंटे में बहुत कुछ तस्वीर साफ नजर आने लगेगी। ठीक है रवि, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ऐसे में लगातार कांग्रेस की ओर से जद्दोजहद इस बात की जाती रही है कि जनाधार तलाशा जाए, जनता के बीच पहुंचा जाए। हालांकि वो बहुत सफल होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जावेद हमारे साथ लगातार मौजूद है। जावेद, आम आदमी पार्टी के बाहर आप हैं और हमें तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो झंडा है, उसका जो सिंबल है, उसके रंग में वहां पर गुब्बारे लगाए गए हैं और सजाया गया है। देखिए, आम आदमी पार्टी के भीतर हमारी मौजूदगी, और हम अलग अलग जगहों से तैयारियां दिखा रहे हैं। अब हम आपको वो तैयारी दिखाते हैं जहां से अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो जिस नतीजों की वो उम्मीद कर रहे हैं वैसे नतीजे आते हैं, तो किस तरह की तैयारियां। देखिए, यहां पर हमेशा की तरह जब आम आदमी पार्टी जीती है तो अरविंद केजरीवाल इसी जगह पर आकर वो संबोधन करते हैं, उसको बाकायदा सजाया गया है। यहां पर ही वो होते हैं अपने परिवार के साथ, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वहां वो तमाम लोग मौजूद होते हैं। और देखिए, पूरा जो आम आदमी पार्टी कि दफ्तर का प्रेमिसेस है, इसको आप देखेंगे, आम आदमी पार्टी के झंडों के जो कलर हैं उनके बलून लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं, मीडिया यहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। यहां से वो लाइव कवरेज अरविंद केजरीवाल जब बोलेंगे तो वो सुनाई देगी। तो ये तैयारियां आम आदमी पार्टी के दफ्तर में चल रही हैं। अब यतेंद्र के पास चलते हैं, वो क्या तस्वीरें हमें दिखाएंगे। यतेंद्र, देखिए, बिल्कुल दिल्ली बीजेपी ऑफिस में अभी प्रदेश के प्रवक्ता हरीश खुराना है, उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल ने रुझान दिए हैं उससे कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति बीजेपी के लिए पैदा होगी, क्योंकि 15 साल एक लंबा समय होता है दिल्ली की जो छोटी सरकार कही जाती है, एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो ऐसे में जो एग्जिट पोल आए हैं उन पर बीजेपी का क्या कहना है। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना जी। हरीश जी, एग्जिट पोल जिस तरह से आए, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप उनसे? देखिए, आप भी चुनाव बहुत सारे कवर किए, मैंने भी बहुत सारे चुनाव कवर किए हैं। हमेशा जो चुनाव पंडित कहते हैं और जो एग्जिट पोल कहते हैं कि प्लस माइनस 4-5% का इधर उधर होता है, हर बिछा होता है जी। दिल्ली का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है, यहाँ पे 400-500 वोट इधर या उधर होना इज डिसाइडिंग फैक्टर। आज जो प्लस दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ, जो प्लस दिखा रहे हैं 400-500 वोटों का, 4% या 5% का जो गैप दिखा रहे हो, उल्टा भी हो सकता है। आप लोग खुद कहते हो कि प्लस माइनस होगा, तो अगर इधर हो गया, मुझे याद है पिछला चुनाव भी आपने भी कवर किया था, बीजेपी को 50 सीटें दे रहे थे, आज पिछला 2/3 मेजोरिटी आई थी। हम भारतीय जनता पार्टी आज भी कॉन्फिडेंट है, अभी 3 घंटे के बाद सब कुछ सामने। बीजेपी के जो इंटरनल सर्वे था उसमें ही 50 सीट आप अपने आप को दे रहे हो। इंटरनल सर्वे आपको, आपने कब से हो गया भाई? इंटरनल सर्वे तो इंटरनल सर्वे का मतलब यही पत्रकारिता है ना, ये पता करना। आप जो मर्जी करिए, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे, मैं आपको बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि दिल्ली का अगला मेयर हमारा इंटरनल सर्वे भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने जा रहा है, ये निश्चित रखिए। आप निश्चित करें, लेकिन जो लड्डुओं के ऑर्डर दिए जाते थे इस साल, कहीं आपने बीजेपी ऑफिस में लड्डू का ऑर्डर नहीं दिया, कार्यकर्ता नहीं है, कोई स्पेशल तैयारी यहाँ पर नहीं दिखाई? अभी 7 बजे है सर, अभी ऑर्डर तो एक दिन पहले दे दिए जाते हो गए, वो हुए हैं, चिंता मत करिए। आप जब देखेंगे अभी 10-11 बजे नतीजे देखेंगे, सब कुछ यहाँ होगा, चिंता मत करिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि सर रीजन मैंने बता दिया, 400-500 वोट इधर या उधर होना विल बी डिसाइडिंग फोर्स। क्या लगता है कूड़े का जो मुद्दा था वो भारी पड़ा है इस बार चुनाव में? सर, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाता हूँ। आप याद करिए, कूड़े का मुद्दे से इन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की थी, याद करिए, गए थे। लेकिन चुनाव बीच में आते आते चुनाव का कूड़ा मुद्दा नहीं था, आरडब्ल्यू मुद्दा आ गया था। अगर आरडब्ल्यू इतना बड़ा मुद्दा होता तो आपने अपने गारंटी में क्यों नहीं डाला था? इसलिए लोगों ने चुनाव के अंदर कूड़े का मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी 2500 2600 टिप्पर्स के माध्यम से कूड़ा उठा रही है।
और कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा काम करते हुए दिखाया। जब सब लोग घरों के अंदर थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मतलब एमसीडी कूड़ा उठा रही थी, लोगों के घर का कूड़ा उठा है, इसलिए उनको जब बीच इलेक्शन के बीच में अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी और कूड़े से आरडब्ल्यू में शिफ्ट किए थे। छोटी सरकार पर कब्जा बरकरार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी निश्चिंत है, 3 घंटे में सब कुछ सामने आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जो कभी भी ईवीएम पे दोष नहीं डालती है। हाँ, जो भी होगा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी को मानने होगा, सर झुका के हम उसको प्रणाम करेंगे जो भी डिसीजन होगा। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है कि दिल्ली का मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा। चलिए देखिए, आप सुन सकते हैं हरीश खुराना साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है उसमें 4 से 5% का जो डिफरेंट रहेगा वो किधर भी जा सकता है, और ऐसे में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और वो दावा भी कर रहे हैं कि मेयर जो भी होगा वो बीजेपी की तरफ से ही होगा। जी,